जी हाँ, मिल गई विकेट यहां। अगला क्या बढ़िया सीम है, बहुत बढ़िया लेंथ। ये तो समस्या हो जाएगी। देखिए अल्ट्रा एज पर नजर नहीं आया तो आउट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ अल्ट्रा एज जो है वो कुछ और दिखाता है कि बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगी है। बिल्कुल सही, तभी बल्लेबाज ने, जैसे अंपायर ने आउट दिया, रेफरल के लिए चले गए कि सबसे पहले बल्लेबाज को ही पता चलता है कि बैट बॉल से लगा है या नहीं लगा है, अन्यथा गेंद तो बहुत बढ़िया थी, अच्छे कांटा बल्ले के अंदर की तरफ आई और लगती भी आके मिडिल स्टंप पर, अल्ट्रा एज ने यहां दर्शाया है कि गेंद और बैट के बीच संपर्क हुआ है। अगले फ्रेम पे देखिए, यहां गेंद बल्ले पे लगी और अगले फ्रेम पे आप देखते हैं कि दिशा बदली गेंद ने, तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहां शिखर धवन के लिए, बदलना पड़ा इनको अपना निर्णय। लेकिन क्या बढ़िया शुरुआत की है भाई क्रिस मॉरिस ने, करीबी मामला होगा ये, और इस बार चले रोहित शर्मा, क्या बढ़िया पहला गेंद आपने डाला। और रोहित शर्मा भी मैच भी आउट किया था जूनियर डाला ने, और इस मैच में भी आगे गेंद, जूनियर डाला ने गेंद बहुत सही जगह डाला, सब लेंथ पे, कोई शॉर्ट पिच गेंद नहीं, एक और लेंथ पे, यहां पर स्लिप मौजूद लेकिन उसके बगल से निकली, सुरेश रैना के बैट से निकला चार रन, वो भी स्लिप के बगल से, तब दिक्कतें हो जाती हैं, वही गलती होती है। ये शॉट अच्छा खेलते हैं शिखर धवन, और जब संपर्क अच्छा होता है ना तो आउटफील्ड कितनी भी धीमी क्यों ना हो गेंद पहुंच ही जाती है बाउंड्री तक, और पूरे कंट्रोल में शॉट खेला मिड विकेट की तरफ। एक और शॉर्ट बॉल यहां पे, फील्डर पीछे है लेकिन गई उसके ऊपर से, पहला 6 रन। अगर आप उनके बाएं कंधे के ऊपर अगर गेंद को देंगे, छोटी पटकी हुई गेंद, ये कट शॉट शिखर धवन के बैट से, इंतजार किया गेंद को आने दिया और ढकेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में, सब शॉर्ट पिच गेंद। अब ये चीज है जिस पे ध्यान देना होगा गेंदबाज को, उसको ये समझना होगा कि अब आप जब, एक और शॉर्ट पिच गेंद और शिखर धवन ने फेंक दिया है इसको स्टैंड में, दर्शक दीर्घा में। वही गलतियां अगर आप करते जाएंगे तो हर बार परिणाम वही रहेगा, परिणाम नहीं बदलता। फील्डर मौजूद है लेकिन जितनी भी कोशिश कर लेता वो गेंद रोक नहीं पाते शमशी साहब। फिर से जगह बनाई, सुरेश रैना ने लेग स्टंप की तरफ गए और गेंद को ढकेल दिया पॉइंट की दिशा में, शमशी थे पीछे, अंदर गए मिड विकेट की तरफ खेल दिया, यहां पर मिलेंगे 4 रन। बढ़िया शॉट सुरेश रैना के बैट से, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और 4 रन इस ओवर में, 3 चौके आए इस ओवर में, 40 एक विकेट पे। काफी खराब गेंद, स्टेप आउट किया लेकिन मार बैठे फरहान बहारदीन के हाथ में, हो गई गलती शिखर धवन से, पल्ला मुड़ गया जिसकी वजह से वो पावर नहीं आ पाई इस शॉट में। एक और विकेट भारत का पतन यहां पर, वो भी शिखर धवन के रूप में। ये शायद एज को ले गई है जूनियर डाला, बड़े खुश होंगे। बाउंस पूरा काम कर गई यहां पर, और इस विकेट में है कुछ जरूर, और शायद इसीलिए शिखर धवन उस अंदाज में खेल रहे थे पहले ओवर से, क्योंकि यहां से हमें पता नहीं चलता। लेकिन बल्लेबाज, आप ग्रेट बल्लेबाजों को भी याद करें, सचिन तेंदुलकर जब जब सीमिंग विकेट होती थी अटैक करना शुरू करते थे, बहुत रेयर देखेंगे आप ये, विराट कोहली ने आज रन नहीं बनाए। ये 4 बनेंगे, अपने ही अंदाज में खेलते हैं भाई। अगर आप, मुझे किसी ने कहा कि नकल बॉल की तो कोशिश नहीं की थी इन्होंने, मुझे किसी ने कहा कि एक जमाने में जब कोचिंग बुक लिखा गया था कहते थे कि ये चले शमसी,
ये इनके हिटिंग एरिया में गेंद आई। आपने कहा जैसे पहले पैर की बात, पैर इतना खुल जाता है तो फिर वो कंधा है ना, सीधे बल्ले से भी मिड विकेट पे वो शॉट लग सकती है। ये देखो बिल्कुल जहां मनीष पांडे चाहते थे, क्योंकि उनका मूवमेंट ही कुछ ऐसा है वहां मारने का। और अब स्पिनर जो उनके कंफर्ट जोन में आते हैं, इसीलिए अंदाजा सा लग जाता है आपको। ये फिर शॉट कनेक्ट कर गए बहुत दूर, बाउंड्री लाइन की तो जरूरत ही नहीं है, बाउंड्री लाइन तो ऐसे वहां डिजाइन के लिए रखी गई है। और ये अच्छी क्रिकेट, अपनी बल्लेबाजी जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे खेल रहे हैं। इनसाइड आउट और 4 रन मिलेंगे यहां पर सुरेश रैना को। स्टेप आउट किया लेकिन स्टेप आउट लेग स्टंप की तरफ ताकि ऑफ साइड खुल जाए को खेला। और ये नजदीकी मामला, नजदीकी मामला, जी हाँ शफलों के अंदर आए थे सुरेश रैना। एक रिव्यू अभी भी बाकी है, क्या लेंगे? पहली, इससे पहली गेंद हटकर ऑफ स्टंप के बाहर खेला, इस बार अंदर आकर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश, क्या ऑफ स्टंप मिस कर रही थी ये एक और बार देखना पड़ेगा, ऑफ स्टंप जरूर। स्लोअर गेंद पढ़ लिया था मनीष पांडे ने और गैप में भी दे मारा, एक बाउंस 4 रन। एक और बार अपना जो आगे वाला पांव है उसको खोला और उसके बाद जगह बनाई अपने लिए और बिल्कुल गैप में फील्डर को ना मारे। और इस बार हवा में पर थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका, बाज ने परास जरूर किया लेकिन अंत में 4 रन मनीष पांडे के खाते में, 4 रन भारत के खाते में। ये विंटेज MS धोनी 6 रनों के लिए। जी मन बना लिया था कि ये गेंद तो जाने वाला है और बिल्कुल सही शॉट यहां पर, ये उनका हिटिंग जोन है। और सिंगल तो मिलेगा ही और सिंगल मिला भी मनीष पांडे को और पूरा किया अपना अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक T20 इंटरनेशनल्स में, 124 पे 4। ओ भैया कहां गई ये गेंद, मजा आ गया ये शॉट देख के। धन्यवाद विवेक, धीमी शुरुआत थी मनीष पांडे की लेकिन ये इनका हिटिंग जोन है, मिड विकेट की तरफ पूरे अपने आप को खोल देते हैं, ओपन चेस्टेड हो जाते हैं और फिर बल्ला चलता है। पैटरसन आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, 20 रन दिए थे अपने पहले दो ओवरों में। और ये बहुत ही बुरी क्रिकेट क्रिस मॉरिस की, बहुत ही बुरी क्रिकेट, जैसे मानो गुस्सा निकाल रहे थे। और एडिशनल बोनस 4 रन दिए और 4 रन T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखिए कोई बैकअप नहीं कर रहा था। यहां रन मिलेंगे और वो भी पूरे 4 और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई 5वीं विकेट की। और बाहर ऑफ स्टंप के बाहर, ये देखिए मारने के लिए आसान, यहां हाथ खोला था मनीष पांडे ने और हल्की हल्की बूंदा बांदी जो हो रही है ना उस वजह से तो वो भी थोड़ी सी गीली होती, दो गेंद अगर होते तो थोड़ा असर कम होता है लेकिन ये एक ही गेंद है T20 क्रिकेट में। जगह बनाई क्योंकि जानते थे कि फाइनल का खिलाड़ी अंदर है। जब पहले आए थे थोड़े से नर्वस थे, चौके नहीं लग रहे थे तो ये जो रिएक्शन होती है, सोच होते है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो पूरा एकदम क्लियर हो जाता है माइंड। गैप ढूंढ लिया बढ़िया आसानी से, फुल टॉस बन गई और इसकी वजह से थोड़ा सा बोलर हिचकिचाते हैं यॉर्कर डालने में, क्योंकि अगर गलत आप डालो तो लीजिए उन दो में से एक तो आ गई। धोनी को अक्सर आजकल बल गेंदबाज उनके रिप की तरफ उनको बाउंसर डालते हैं, इस बार अच्छी तरह से खेला। एक्चुअली एक कैच ड्रॉप ही है, हमने दृश्य देखा नहीं था, लग रहा था बिल्कुल छक्का आराम से गया, ये ड्रॉप कैच है भैया, ये बाधा डालता है। ये बहुत बढ़िया शॉट खेला है,
ऐसे नहीं कि पेस यूज करके, पूरी जो पावर शॉट में है वो धोनी ने लाई है। तभी तो कहते हैं कि जहां चमत्कार है वहां हमारा नमस्कार है। इमोशंस है, भावनाएं दिखाते नहीं चेहरे पे, लेकिन आप खुश नजर आ रहे धोनी। ओ बच गया तो कोई नहीं, चार मिल गए, तो जहां छह चाहिए थे अब एक चाहिए। बड़े हीरो है, सब चाहते कि ये अच्छा खेले, इनका करियर चलता रहे इसी तरह। और ये बहुत ही अच्छी पारी, और बन गए इनके 50 रन, और शतक पूरा कर लिया यहां महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन फिर से आप देखेंगे कि 50 तो है ही, लेकिन उनकी नजर थी एक्स्ट्रा रन मिले या नहीं। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, इनसे बेहतर क्रिकेट का जो एक फील होता है किसी और बल्लेबाज या क्रिकेटर के पास मैंने देखा नहीं। आखिरी गेंद है, चलिए कोई नहीं, एक तो आया कम से कम, 193 नहीं 188 तो लगे, लेकिन 18 रन इस ओवर पे आए हैं, और 20 ओवरों के बाद भारत ने 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया बोर्ड पे। कि जो योगदान थी इस इनिंग्स में उसको ना भूलें। 79 पे नॉट आउट रहे और उनका स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर, और धोनी अपना दूसरा T20 इंटरनेशनल 50 करके नाबाद रहे। और उसके पहले सुरेश रैना की भी अच्छी भूमिका, 30 रन बनाए 24 गेंदों में, और धवन 14 रन केवल 14 गेंदों में। तो पार्टनरशिप्स देखिए, जब अच्छी पार्टनरशिप्स होती है तो आखिर में एक अच्छा स्कोर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, ये खेल ही साझेदारियों का तो है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अगर साझेदारियां लगती रहती हैं तो फिर एक बड़ा स्कोर आप लगाने में कामयाब होते हैं। हमारी भी साझेदारी देखिए कमेंट्री बॉक्स में इतनी बढ़िया है, नजर ना लगे बस। 2 विकेटें मिली हैं डाला को, 1-1 विकेट मिली डुमिनी और फेलकवायो को, लेकिन अगर आप देखें तो पैटरसन और मॉरिस और शमशी जो तीन प्रमुख गेंदबाज थे, वो तीनों के तीनों आज फिर महंगे साबित हुए। हल्की सी गेंद हिलती हुई नजर आई हवा में जब गेंद चल रही थी। इतना बढ़िया टाइम नहीं किया था इसे, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच ही गई। जबरदस्त कोशिश शार्दुल से, ये लगा चौका, भारी हिस्से पे लगा बल्ले के, पहुंच ही गए थे, बेहतरीन कोशिश शार्दुल से, बिल्कुल ऊपर से, मिड ऑन और मिड ऑफ आगे रहते हैं और उसी का फायदा उठाया यहां हेंड्रिक्स ने। बेहतरीन शॉट मिड ऑन के ऊपर से, इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी तो देख लीजिए क्या हुआ। पावर प्ले में जब मात्र एक ही फील्डर है आपको ऑफ स्टंप के बाहर, ये फील्डर सामने खड़ा था लेकिन वो सिर्फ गेंद को बाउंड्री तक जाता हुआ देखेगा। आपका जो डर होता है शुरुआत में वो है आउट होने का, इतना ज्यादा रूम तो आपका पहले बार दो बार सोचे तो सही। ये पहला विकेट जिया, सही सोच, राउंड द विकेट और सफलता। कि अभी तक भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर ने इसी तरह की गेंदबाजी की है, इनको समझ आई, लेकिन आई पांचवी गेंद पे। चलिए देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। विकेट मिली जयदेव उनटकट को और पहला झटका लगा यहां दक्षिण अफ्रीका को, 24-1। बढ़िया शॉट है ये, अभी अभी क्रीज पे आए हैं और देखिए किस शॉट के साथ इन्होंने अपना खाता खोला। तो लगता है सेट होके आए हैं अंदर से, हर विकेट का भी महत्व है। आउटसाइड एज, लेकिन भाग्य का साथ हेंड्रिक्स के, जब बल्ला घुमाए ना तो जोर से घुमाए, लगा दे पूरी ताकत मैदान में संभालने के लिए उन्हें। ओ मिस इट जरूर, लेकिन सीधा फील्डर के पास,
पंड्या है फील्डर, नहीं की कोई गलती। यहां देखिए क्या किया इन्होंने, हार्दिक पांड्या, ए ये 48 है वहां पर, ये बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से, और 6 रन हेनरिक क्लासन को जो नए बल्लेबाज हैं। स्वागत है आपका संजय। और जब छोटा होता है गेम तो और भी डेंजरस बल्लेबाज हो जाते हैं। खड़े खड़े बिल्कुल पावर से खेला गया शॉट। एक और बार बहुत सही संपर्क, गेंदबाज स्लोअर डिलीवरी ज्यादा डाले, ये सीम अप पेस वाली गेंद। एक एक ओवर के बाद आपको पता है कि डकवर्थ लुईस स्कोर कहां पे रहना चाहिए, और स्वागत ही चौके के साथ यहां पर हार्दिक पांड्या का। पीछे से धोनी भी बता रहे हैं, फिर से वही शॉट, और ये छोटा ग्राउंड है और छक्का मिला। वहीं पर वहां पर भी बारिश के वजह से नमी आई थी और इन नहीं हुआ, नमी है आउटफील्ड के ऊपर पिच के करीब। फिर से वही शॉट और गैप मिल गया, और ये 4 रन, तो अच्छा ओवर ये साउथ अफ्रीका के लिए। 10 रन आते हुए 80-2 साउथ अफ्रीका। क्या ये अपील आउट देंगे? नहीं, अपील तो की थी वहां पर, धोनी ने क्या कहा। खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए दोबारा लेग स्टंप की तरफ गए, जगह बनाई, हो क्या बढ़िया टाइमिंग, आवाज जो बैट्स है बहुत ही अलग। क्लासन ने, ओहो ये तो कमाल का शॉट है भाई, लो फुल टॉस बना लिया उसको, क्योंकि वो भी क्षमता रखते हैं मैच पलटने। पुल किया यहां पर, फील्डर ऊपर है, एक और 4 रन। शॉर्ट बॉल, थोड़ा खराब गेंद, खराब इसलिए क्योंकि फाइन लेग आपका 30 गज के दायरे में, और शॉर्ट पिच गेंद अच्छा खेलते भी, शॉर्ट आर्म पुल बहुत बढ़िया मारते हैं। ये दृश्य 50 बनाने के बाद बैट लेके आए। इसी बीच क्लासन ने एक और हिट, और गेंदबाज कौन, युजविंदर चहल, एक और 6 रन क्लासन के बैट से। इसी 6 के साथ 58 रन पे पहुंच गए, और आज दोबारा दिखाते हुए स्पिन के विरुद्ध अपना क्लास। क्या बढ़िया शॉट मारा है, शॉर्ट बॉल यहां पर, और एक और हिट उसी दिशा में, शॉर्ट पिच गेंद, काफी वक्त मिला। रिवर्स स्वीप यहां पर, फील्डर पीछे मौजूद नहीं, एक और रन। खैर इसी के बारे में क्या रहे थे पीछे से, कि अगर घूमेगा तो तेज डालना ऊपर। चलो अब डुमरी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। 23 रन ओवर से 131 पे 2। उनटकार, ये विकेट, बहुत बड़ा विकेट ये। उतनी दमखम तो है इस टीम में। टॉप एज, पीछे फील्डर ने कोई नहीं की गलती, शार्दुल ठाकुर संतुलन नहीं रख पाया गेंद को, शॉर्ट पिच गेंद थी, मार बैठे शार्दुल ठाकुर के हाथों पे, काफी ऊपर कैच था, पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन बढ़िया कैच। एक और सफलता भारतीय टीम को, डेविड मिलर आउट हुए 5 रन बना के 141 4 विकेट पे। महंगे साबित हुए हैं आज, स्वागत तो किया यहां पे चहल का, नहीं थे आप जो ताजुब हुए थे। चलिए इन्होंने हमें गलत साबित कर दिया,
इंग्लैंड के खिलाफ 57 रन जोगिंदर शर्मा ने दिए थे, यहां 50 रन बन जाएंगे जेपी डुमिनी के। बाउंड्री की जरूरत ही थी यहां दक्षिण अफ्रीका को, 173 पे 4, कप्तान ने बनाया एक और अर्धशतक। कुछ मैच भी ऐसा ही चला है, बढ़िया पारी रही है। ये लीजिए, इनकी बात बच गई दक्षिण अफ्रीका खेमा को। अब तो ऐसा लगेगा ही क्योंकि घटना घट चुकी है, लेकिन सोच यही है क्योंकि दबाव इस ओवर में ज्यादा रहता है। हो गई, अब नहीं बच सकते क्योंकि गेम के इतने करीब जब आ जाएं तो जेपी डुमिनी भी ऐसे शॉट दिखाने लगे हैं। और ये आतिशबाजी सिर्फ बल्ले से नहीं, उसके बाद ये फायरवर्क्स देखिए। और ये वो शॉट था, जहां गेंद पड़ी उनके पाले में वहां चली कुकबरा की गेंद मैदान के बाहर। सारा गेम पलटा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं आज जो थी वो है ये बूंदाबांदी जो चलती रही, जिसकी वजह से जो आपकी स्क्रीन पे अब आए हैं चश्मा डाल के वो कारगर नहीं नजर आए। ये है आतिशबाजियां जो हुई हैं यहां, और अभी भी अगर आप देखें तो ये आतिशबाजियां चलती रहेंगी क्योंकि मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है और 6 विकेटों से अभी भी 8 गेंदें बची थी। और मैं तो यहां जेपी डुमिनी की तारीफ करूंगा क्योंकि क्लासेन के आउट होने के बाद जो एक बोझ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है, एक कप्तान के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे, 188 रनों का पीछा करना था आसान कार्य नहीं था। स्मट्स जल्दी आउट हुए, उसके बाद हैंड्रिक्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर क्लासेन और डुमिनी के बीच वो एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुई 93 रनों की। उसके बाद क्लासेन आउट हुए लेकिन डुमिनी खड़े रहे और मैच जिताए अपनी टीम को, 93 रनों की साझेदारी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और फिर बेहरदीन और डुमिनी के बीच 48 रन मात्र 25 गेंदों में, और उसी के चलते ये मुकाबला जीत लिया। गेंदबाज आज महंगे साबित हुए, उनटकट की बात करें तो 11.45। भुवनेश्वर कुमार अपना चौथा ओवर डाल ही नहीं पाए, विकेट एक मिली शार्दुल ठाकुर को। लेकिन सबसे बड़ा धक्का लगा जब आपके सबसे प्रमुख गेंदबाज जो सबसे ज्यादा तंग करते थे दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को, उन्होंने 4 ओवरों में 64 रन दे दिए और कोई विकेट भी नहीं मिली। तो ये थी कहानी इस मुकाबले की, 188 रन बनाए थे भारत ने, और अगर आप देखें तो डाला ने 2 विकेट लिए थे, 79 रन बना के नाबाद रहे थे मनीष पांडे, 52 रन पे नाबाद थे महेंद्र सिंह धोनी, और दक्षिण अफ्रीका ने 18.4 ओवरों में यह मुकाबला 6 विकेटों से जीता।